Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic in histopathology is respiratory system. हम देख रहे हैं आज respiratory system के बारे में. Respiratory system का मैंने trachea वाला part और जो nasal pharynx वाला part जो था, ऊपर वाला जो part था, conducting part जो जिसको बोलते हैं, वो part मैं आपको बता चुका हूँ. इस portion में आपको आगे वाला part बताऊँगा जो bronchial और duct part होता है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो आज हम देख रहे हैं bronchial tubes के बारे में. किसके बारे में देख रहे हैं? ब्रोंकियल ट्यूब्स. क्या बोल रहा हूं मैं? ब्रोंकियल ट्यूब्स. मैंने ये छोटा सा डायग्राम तो नहीं है, वैसे बड़ा डायग्राम ही है, ये डायग्राम बनाया थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए. ठीक है, हम सोच रहे होंगे कि आप ये क्या बना दिया है इसने, पर मैं थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए इसको बताया है. ये वाला पोर्शन मैंने आर और एल इससे लिखा है, ये समझ लो राइट पोर्शन और ये वाला समझ लो लेफ्ट पोर्शन. ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई. अब ट्रेकिया में मैंने जैसे आपको बताया, इसमें हेलाइन कार्टिलेज होता है. क्या होता है? हेलाइन कार्टिलेज, जो कि सी शेप कार्टिलेज बोलते हैं. और क्या करता है? इसको प्रोमिनेंट बनाकर रखने के लिए और एक परमानेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर रखने के लिए, यानी कि ट्रेकिया को ये होल्ड करके रखता है. किसको होल्ड करके रखता है? ट्रेकिया को, ताकि ये श्रिंक ना हो, सुकुड़े ना. ठीक है, श्रिंकेज हो जाएगा, इसका सुकड़ जाएगा, तो उसमें एयर जो पैसेजेस है, एयर जो आपकी पास होती है, उसमें डिफिकल्टी होगी एयर पास होने में. इसलिए जो ये रहता है, इसका स्ट्रक्चर अगर ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, ट्यूब जैसा, वो चिपकेगा नहीं. ठीक है, इसलिए इसमें सी शेप हेलाइन कार्टिलेज होता है. ठीक है, हायलिन नहीं, इट्स अ हेलाइन कार्टिलेज. ठीक है, अब इतना तो मैंने आपको बता चुका हूँ इसके पहले वाला जो. अगर आपने मेरे टॉपिक नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस वाले टॉपिक देखिए और फिर ये वाला टॉपिक देखिए, तो आपको चीजें समझ में आएंगी. ठीक है, तो ये ट्रेकिया वाला पोर्शन क्लियर हो गया था हमारा. अब ट्रेकिया क्या होता है आगे जाकर, व्हेन इट गोज डाउनवर्ड, जब वो नीचे जाता है, इट डिवाइड्स इनटू टू सेगमेंट्स. किसमें डिवाइड होता है? दो सेगमेंट्स में डिवाइड होता है. ठीक है, तो इन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? इन सेगमेंट्स को बोलते हैं, कैन आई राइट हियर, प्राइमरी ब्रोंकाई. क्या है ये? दोनों दो में डिवाइड होते हैं ट्रेकिया के नीचे, और इनको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, यानी कि सबसे पहले वाले जो ब्रोंकाई है ना, मुख्य ब्रोंकाई, जो कि ट्रेकिया के बाद दो में डिवाइड होते हैं. क्या बोलते हैं इनको? प्राइमरी ब्रोंकाई. ठीक है, तो ये रहा दो पार्ट में जो डिवाइडेड है, इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई. क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी ब्रोंकाई. ठीक है, अब यहां से प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होता है आगे चल के, इट डिवाइड्स फर्दरली, आगे जाके डिवाइड होता है ये, एंड इन द राइट साइड इट डिवाइडेड इनटू थ्री सेगमेंट्स. राइट साइड में ये डिवाइड होता है थ्री सेगमेंट्स में, एंड इन द लेफ्ट साइड इट डिवाइड्स इनटू टू सेगमेंट्स. जो उसका लेफ्ट साइड होता है वो टू सेगमेंट में डिवाइड होता है. देख रहे हैं यहाँ पे, एक दो तीन, राइट साइड में तीन सेगमेंट में डिवाइड हुआ है ये आगे चल के, और ये दो में डिवाइड हुआ है. तो इनको क्या बोलते हैं? कैन आई राइट हियर, सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्रोंका. क्या है ये? इनको बोलते हैं, ये रहा प्राइमरी ब्रोंका है, और जब आगे जाके ये डिवाइड होता है आगे चल के और, तो ये इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंका है. क्या बोलते हैं? ये पूरा यहां से लेके यहां तक ब्रोंकाई ट्री बोलते हैं. ब्रोंकाई ट्री यानी कि पेड़, क्योंकि पेड़ में जैसी शाखाएं रहती है, ब्रांचेस रहती है, वैसे ही क्या होता है, ब्रोंकाई में भी ब्रांचेस बनती है आगे जा जाके. ठीक है, एक से दो, तीन से चार, चार से पांच, आठ नौ दस, इस तरीके की क्या है, ब्रांचेस बनती है. इसलिए इसको बोलते हैं ब्रोंकाई ट्री. क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकाई ट्री बोलते हैं. और ये राइट साइड में तीन में डिवाइड होता है और लेफ्ट साइड में दो में डिवाइड होता है. ठीक है, अब आगे बढ़े. अब क्या होता है, जब ये इस पर डिवाइड होता है सेकेंडरी में, सेकेंडरी गिव राइज टू अनदर ब्रोंकाइज. सेकेंडरी क्या देता है, बनाता है आगे चल के और ब्रोंकाइज बनाता है, विच आर कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं, इधर में लिख दे, ये जो ब्रोंका है इनको बोलते हैं टर्शरी ब्रोंकाई. टर्शरी ब्रोंकाई. क्या बोलते हैं इनको? टर्शरी ब्रोंकाई. अब ये टर्शरी ब्रोंकाई इधर भी है, ये दिख रहे हो, ये वाला पोर्शन जो है
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी में होते हैं 2 से 5 ब्रांचेस होती हैं। कितनी होती है? 2 to 5, पर मैंने हर में 3-3 नहीं बनाया है, ठीक है, वो कितनी भी हो सकती है। ऐसा कुछ एक नहीं है कि इसमें ज्यादा होगी उसमें कम होगी, कितनी भी ब्रोंकाय उसमें हो सकती है टर्शरी में, ठीक है। तो टर्शरी में कम से कम 2 से 5 ऐसी ब्रोंकाय होती है, ठीक है। अब टर्शरी के बाद जो इसका टर्मिनल पार्ट होता है टर्शरी का, ठीक है, वो किसको राइज देता है? टर्शरी पार्ट देता है टर्मिनल ब्रोंकाय को। इसको बोलते, क्या बोलते हैं इसको? टर्शरी में आता है टर्मिनल ब्रोंकाय, जो कि आगे चल के किस में कन्वर्ट होता है? एल्वियोलर डक्ट में, एल्वियोलर सैक में या एल्वियोलाई में। किस में कन्वर्ट होता है वो? एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक या एल्वियोलाई में कन्वर्ट होता है। और जो टर्मिनल पार्ट होता है, जब तक कि ऊपर से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ब्रोंकाय 1 mm के डायमीटर में ना आ जाए। कितने? 1 mm के डायमीटर में। तब तक की जो ब्रोंकाय ट्री है खत्म नहीं होता है, ठीक है। जब तक ये 1 mm के डायमीटर में ना आ जाए, तब तक की जो ब्रोंकाय ट्री है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जाएगा, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ब्रोंकाय जो रहते हैं 2 पार्ट में, लंग्स आपके रहते हैं ये तो पता है आपको, डिवाइड होता है जब 2 में, इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाय। जब उन 2 में से जब सेगमेंट्स निकलते हैं तो उसमें उसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाय, और सेकेंडरी ब्रोंकाय में से जब सेगमेंट्स निकलते हैं तो उसको बोलते हैं टर्शरी ब्रोंकाय, और टर्शरी ब्रोंकाय के टर्मिनल्स में से क्या निकलते हैं? एल्वियोलर डक्ट्स निकलते हैं, जिसमें से एल्वियोलाई कनेक्टेड होती है, जो कि क्या काम करती है? रेस्पिरेशन कलेक्शन का, होल्डिंग का, और किसका? उसको वापस बाहर निकालने का काम उनका होता है, ठीक है, एल्वियोलाइज का होता है। और एक जो टर्मिनल ब्रोंकाय कितने एमएम की होती है? 1 mm इनका डायमीटर होता है, ठीक है। अब जो ये ब्रोंकाय है, ब्रोंकाय में एक पार्ट होता है इंट्रापल्मोनरी और एक होता है टर्मिनल पार्ट। क्या होता है? इस जो ये जो एरिया है, यानी कि ये वाला जो एरिया है, यहां से लेकर प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी तक जो पोर्शन है, इसको बोलेंगे इंट्रापल्मोनरी पार्ट। क्या बोलेंगे इसको? जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं, इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकाय, ठीक है। क्या बोलेंगे इनको? इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकाय, जिसके अंदर क्या होता है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स होती हैं। इसकी जो लेयर रहती है, इसमें कैसी सेल्स रहती है? जैसे कि ये सेल की लेयर है, जिस ये लेयर मैंने यहां बना दिया हूं, इसके अंदर जो इनर मोस्ट लेयर से हम स्टार्ट करते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं तो अंदर से बाहर की तरफ लेयर्स में जाते हैं। जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो यानी ऐसे सेल्स, ऐसी एपिथेलियम जो कि स्ट्रेटिफाइड ना हो, यानी कि स्ट्रेटिफाइड यानी 1 से 2 लेयर वाली सेल, 1 से ज्यादा लेयर वाली जो सेल रहती है उसको स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कौन सी होती है? ऐसी सेल जो कि बताती है कि वो 1 से ज्यादा लेयर की है, पर वो होती नहीं है, एक इल्यूजन क्रिएट करती है। और इसका जो न्यूक्लियस रहता है ऊपर नीचे ऐसा अरेंज रहता है, जिसके कारण जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, यानी इसको काटते हैं जब और माइक्रोस्कोपी करते हैं, तो ये ऐसा दिखता है जैसे कि स्ट्रेटिफाइड हो। इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। और इसके, ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम विद सीलिया। सीलिया क्या होता है? ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, जिसको बोलते हैं सीलिया। सीलिया का काम होता है मूव करना म्यूकस को अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि सीलिया का करता है जो म्यूकस कंटेन रहता है। सीलिया का सबसे पहले काम क्या है? जो म्यूकस है उसको यहां से वहां ट्रांसफर करना। और सीलिया के साथ यहां पर क्या होते हैं, इनके बीच में होते हैं गॉबलेट सेल्स। क्या होते हैं? गॉबलेट सेल्स होते हैं। गॉबलेट सेल्स का काम क्या होता है? म्यूकस सिक्रीट करने का। क्या करते हैं ये? म्यूकस सिक्रीट करते हैं। और जो म्यूकस इनके द्वारा सिक्रीट होता है, उस म्यूकस में जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है, यानी जो भी पार्टिकल्स, ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी बाहर से आया है, उसको क्या कर लेता है? ये ट्रैप कर लेता है, यानी रोक लेता है, जिसके कारण क्या है, वहां पे वो फंस जाते हैं और आगे नहीं जा पाते हैं। और फिर क्या होता है, ये सीलिया क्या करता है, वहां से
इसको एल्वियोलाई से और ब्रोंकियल ट्री से बाहर निकाल के आपकी बॉडी से बाहर कर देता है, फेरिंग्स नेसोफेरिंग्स तक लेकर आता है, ठीक है, जिसके द्वारा आप इसको निकाल देते हो फिर बाहर, ठीक है। तो ऐसा इस तरीके से करके क्या आता है, गॉबलेट सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स में ही क्या होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन में रहते हैं गॉबलेट सेल इसके, और ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और कॉलमनार एपिथेलियम होता है, यानी कॉलम के शेप का होता है, और इसमें क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होता है, यानी कि दिखता है कि एक से ज्यादा लेयर का है पर ये एक से ज्यादा लेयर का होता नहीं है, ठीक है। तो ये रहा इंट्रा पल्मोनरी के बारे में, ठीक है। तो इतना पोर्शन क्लियर हुआ हमारा कि इसमें कौन सी लेयर होती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होता है, क्या होता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम किसकी लेयर होती है, यहां पर मैं लिख देता हूं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ये कौन सा है, ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। सीडो यानी कि एक से मतलब ऐसा दिखाने वाला कि एक से ज्यादा लेयर का हो, स्ट्रेटिफाइड यानी कि एक से ज्यादा लेयर वाली सेल पर होती नहीं है ये, सीलिएटेड जो ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको सीलिया बोलते हैं, कॉलमनार यानी कॉलम के शेप वाला, ठीक है, एपिथेलियम यानी ये सेल है एपिथेलियम, और इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होती है, गॉबलेट सेल्स होती है जो म्यूकस सीक्रेट करने का काम करती है, जो कि ट्रैप कर लेते हैं फॉरेन बॉडीज को, और इसके बाद क्या होता है इसमें लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया वाली जो लेयर है, यानी कितनी लेयर होती है, कोई भी हम किसी का ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का, तो उसमें एक म्यूकोसा होती है, सब म्यूकोसा होती है, मस्कुलर एक्सटर्ना होती है और सेरोसा होती है। तो इसमें क्या होता है, जब हम लंग्स में जो ब्रोंकाइल ट्री की जब स्टडी करते हैं तो इसमें जो म्यूकोसा वाली लेयर है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन में कौन सी लेयर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो लेयर है उसमें ये होते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, और जो लैमिना प्रोप्रिया वाली लेयर है यानी कि इसके जस्ट नीचे वाली लेयर, इसमें क्या होते हैं, इसमें इलास्टिक या रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, क्या होते हैं इसमें, इलास्टिक या रेटिकुलर फाइबर, ठीक है, लिख दो यहां पे इलास्टिक या रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, ठीक है, इलास्टिक या रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं इसकी लैमिना प्रोप्रिया वाली लेयर में, और सब म्यूकोसा में क्या होते हैं, सीरस और म्यूकस एकिनाई होते हैं जो कि क्या करते हैं, सिक्रीशन का काम करते हैं, ठीक है, म्यूकस सिक्रीशन का काम करते हैं और सीरस एकिनाई भी सिक्रीशन का काम करते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया इंट्रा पल्मोनरी के ब्रोंकस के बारे में। अब इसके बाद इंट्रा पल्मोनरी के पार्ट के बाद आता है टर्मिनल ब्रोंकियोस, जो कि ये वाले होते हैं जिनका साइज होता है 1 mm का, जिनका डायमीटर होता है, क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी के बाद आते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोस, ये वाले ब्रोंकियोस हैं, इनको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोस। टर्मिनल ब्रोंकियोस का जो डायमीटर होता है 1 mm का डायमीटर होता है, इसमें होते हैं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं, यानी ऐसे एपिथेलियम जो कि कॉलम के शेप के तो दिखे हैं पर विदाउट सीलिया, इनमें क्या नहीं होता, सीलिया नहीं होता, ठीक है, सिंपल कॉलमनार, ठीक है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं ये, और इसके जो लैमिना प्रोप्रिया वाली लेयर है इसमें होते हैं स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, कौन से फाइबर्स होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर और इलास्टिक फाइबर, ठीक है, इसकी जो लैमिना प्रोप्रिया वाली लेयर है उसमें होते हैं स्मूथ मसल फाइबर और इलास्टिक फाइबर, ठीक है, और इसके बाद इसमें जो सेल्स होती हैं टर्मिनल पार्ट में, इसके बाद मैं इसकी सेल्स की स्टडी कराऊंगा कि इसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी 7-8 प्रकार की सेल्स होती हैं, उनके एक डायग्राम हम बनाकर इसमें से समझेंगे। एक बार फिर से देख लो ये पोर्शन, कि ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया डिवाइड होता है दो में, जिसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, और प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होता है फिर लेफ्ट राइट साइड में होता है 3 ब्रांच में, और जो लेफ्ट साइड होता है दो सेगमेंट में, ठीक है, तो ये 3 वाले सेगमेंट रहता है वो लेफ्ट राइट साइड वाला रहता है, 2 वाला सेगमेंट रहता है लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है, जिनको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई भी डिवाइड होता है
दो से पांच सेगमेंट्स में, जिसको बोलते हैं टर्शरी ब्रोंकाई। और टर्शरी ब्रोंकाई भी डिवाइड होता है दो से दस ब्रांचेस में, जिसको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। क्या है ये? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, जो कि होते हैं 1 mm के डायमीटर के। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई थी हमारी। जो सेकेंडरी और प्राइमरी जो ब्रोंकाई होता है उसकी जो लेयर होती है सब म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर, वो होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोलमनार एपिथेलियम की, यानी कि ऐसा सेल जो कि स्ट्रेटिफाइड दिखे, यानी दो से ज्यादा लेयर वाला दिखे पर होना, इसलिए उसको बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। सीलेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर सीलिया रहता है, सीलिका का काम होता है म्यूकस को एक्यूमुलेट करने का, यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करने का, ताकि उस जगह पर म्यूकोसा ना रहे। ठीक है, म्यूकस ना रहे। म्यूकस क्या करता है? वो कोई भी फॉरेन बॉडी को ट्रैप करने का काम करता है, उसको पकड़ने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में रहते हैं। गॉबलेट सेल्स, इसकी जो लैमिना प्रोप्रिया रहती है, किसमें मैं बता रहा हूँ, इंट्रापल्मोनरी पार्ट। इंट्रापल्मोनरी पार्ट कौन सा होता है? जो प्राइमरी से लेके टर्शरी ब्रोंकाई तक का होता है वो इंट्रापल्मोनरी पार्ट होता है, और जो नीचे टर्मिनल पार्ट होता है वो टर्मिनल ब्रोंकियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकस होता है उसकी मैंने लेयर्स बताया, उसमें उसमें जो लैमिना प्रोप्रिया होता है उसमें रेटिकुलर फाइबर होते हैं और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और ये इनफोल्डेड रहता है। ठीक है, अब इसके बाद टर्मिनल वाला, जिसमें टर्मिनल 1 mm का डायमीटर होता है, इसमें इसमें होते हैं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं इसमें, जो कि सिंपल रहते हैं, यानी कैसे रहते हैं, कॉलम्स में रहते हैं और एपिथेलियम ही सेल्स रहती है। ठीक है, और इसमें आगे चल के और ज्यादा सेल्स बढ़ती हैं, और जब टर्मिनल पार्ट खत्म होता है, टर्मिनल पार्ट के बाद आते हैं कौन सा पार्ट? डक्ट वाला, एल्विलर डक्ट या एल्विलाई आती है, जो कि गैस एक्सचेंज करने का काम करती है। ये जो पार्ट है ये कंडक्टिंग पार्ट है, और जो इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा वो रहेगा गैस एक्सचेंज करने वाला पार्ट, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और ऑक्सीजन को अंदर ट्रैप करना। ठीक है, वो वाला पार्ट आएगा, इसके बाद हम उसको समझेंगे।